तो दोस्तों एसआरके इज बैक विद जवान आफ्टर पठान। पठान के बाद आ गई है जवान और ऐसा लगता है कि एसआरके ने मन बना लिया हो कि सारे रिकॉर्ड्स पहले मैं खुद सेट करूंगा और उन्हीं रिकॉर्ड्स को मैं खुद ही तोड़ूंगा। देखिए मुझे नहीं पता आपको पठान कैसी लगी थी, लेकिन जब मैंने पठान देखी थी तो मुझे कहीं ना कहीं उसके VFX में कमी लगी थी और देखकर लगा था कि यहां पर कंजूसी की गई है। लेकिन अगर आप बॉलीवुड के साथ साथ कभी कभी हॉलीवुड की एक्शन पैक्ड मूवीज देखने के शौकीन है तो आई गारंटी जवान का ट्रेलर आपको किसी भी हॉलीवुड की मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं लगेगा, क्योंकि यहां VFX पर बारीकी से काम किया गया है। इसके USP SRK नहीं बल्कि विजय सेतुपति का रोल और थलापति विजय का कैमियो है। SRK डर मूवी के बाद एक बार फिर से नेगेटिव रोल में नजर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है आपको समझ में आने लगता है कि ये रोल SRK का हीरो वाला ही है। क्योंकि देखिए आर्मी ऑफिसर का अगर आप रोल निभाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हीरो वाला रोल बन जाता है। पर विजय सेतुपति से किसी बात को लेकर इनकी लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से SRK कभी ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, कभी किसी को उड़ाते हैं, एक्शन करते नजर आते हैं और शायद आपको SRK डबल रोल में भी नजर आए। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए बने रहिए हमारे साथ आगे तक वीडियो में, क्योंकि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको इरफान खान की मदारी याद ही होगी, उसका भी कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही होता है, जिसमें इरफान खान मिनिस्टर के बेटे को किडनैप कर लेते हैं गवर्नमेंट के करप्शन को डाइवल्ज करने के लिए। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिंग। रोमांस में SRK की कोई टक्कर नहीं है, लेकिन ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है जिस ईज से SRK एक्शन और कॉमेडी करते नजर आते हैं वो सच में आपको गूज बम्स देंगे, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। गाने अभी इसके कुछ खास निकलकर सामने आए नहीं है, लेकिन जिसका बैकग्राउंड स्कोर इतना जबरदस्त हो उसके गाने आप खुद ही सोच लीजिए कैसे होंगे। अब देखना होगा कि क्या जवान भी पठान की तरह किसी कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार होगी या नहीं। हालांकि इस मूवी का एक डायलॉग अभी से कॉन्ट्रोवर्सी में आ गया है, जिसमें SRK बोलते हैं बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। हर कोई इसे आर्यन खान के ड्रग्स केस से रिलेट करने लगा है। दूसरा, इसमें विजय सेतुपति का रोल ट्रेलर को देखने से तो नेगेटिव ही लगता है। खैर दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत उनके कैरेक्टर नेम में है, जहां बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि उनका इस मूवी में नाम काली दिखाया गया और हम सबको पता है कि काली कितनी बड़ी देवी है हिंदुइज्म में। बट स्टिल नो वन कैन बीट SRK। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि SRK डबल रोल में कैसे नजर आएंगे। बाकी इसके लिए तो अभी हमें मूवी का इंतजार करना ही होगा। आपको जवान का ट्रेलर कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।